नमस्कार, न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ सिमरन मिश्रा। खबरों पर नजर डालने से पहले एक नजर इस वक्त की बड़ी खबर पर डालेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। उज्ज्वला योजना के हितग्राहियों को बड़ी सौगात। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता दें, उज्ज्वला योजना के हितग्राहियों को बड़ी सौगात। उज्ज्वला सिलेंडर की बढ़ाई गई सब्सिडी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, दिल्ली से उज्ज्वला योजना की हितग्राहियों को बड़ी सौगात दी गई है। 200 रुपए की सब्सिडी को किया गया 300 रुपए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में ये अहम फैसला लिया गया है। उज्ज्वला योजना के हितग्राहियों को बड़ी सौगात दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। केंद्र सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है। उज्ज्वला सिलेंडर की बढ़ाई गई है सब्सिडी। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से, उज्ज्वला योजना के हितग्राहियों को बड़ी सौगात दी गई है। उज्ज्वला सिलेंडर के हितग्राहियों की सब्सिडी बढ़ाई गई है। 200 रुपए की सब्सिडी को किया गया 300 रुपए। महिला कल्याण के लिए और गरीब कल्याण के लिए बहुत सारे कदम मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने पिछले 9 वर्षों में उठाए, चाहे 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना में पक्के मकान बनाकर देने हो, तो 75% से ज्यादा तो सीधे महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री, वहीं पर 12 करोड़ शौचालय, 13 करोड़ घरों में नल से जल और मुफ्त में इलाज से लेकर मुफ्त राशन से लेकर अन्य योजनाएं। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी योजना जिसने एक बहुत बड़ा बदलाव उनके स्वास्थ्य से लेकर उनके रोजमर्रा की जिंदगी के ऊपर किया था, वो था उज्ज्वला योजना।